नमस्कार दोस्तों, भारत के रक्षा क्षेत्र को काफी बड़े पैमाने पर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत सरकार ने लगभग 2200 से ज्यादा डिफेंस के प्रोडक्ट्स को भारत में इंपोर्ट होने से रोकने की तैयारी भी बना ली है। लेकिन जितना ज्यादा जरूरी है डिफेंस सेक्टर को सही तरीके से मैन्युफैक्चर करना, उतना ही ज्यादा जरूरी है इन सभी डिफेंस इक्विपमेंट का प्रोडक्शन करना। भारत आज के समय में बहुत सारे फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल, टैंक इन सभी का इस्तेमाल करता है, जिनका इस्तेमाल लंबे समय तक नहीं किया जाता, यानी ये सब ज्यादा समय तक खड़े रहते हैं और ऐसे में इनका प्रोटेक्ट करना काफी जरूरी हो जाता है। अगर किसी प्रोडक्ट के इक्विपमेंट में मॉइस्चर आ जाएगा तो इनके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट सही से काम नहीं करेंगे, और अगर इनमें डस्ट आ जाएगी तो इनके मैकेनिकल पार्ट सही से काम नहीं करेंगे। ऐसे में बहुत ज़्यादा जरूरी है कि उनके कवर्स को बनाना, और भारत ने इस बड़े काम को शुरू कर दिया है। छोटे से स्टार्टअप ने, जिनका नाम है मासी फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे तो एक लघु उद्योग है और इनको लघु उद्योग का पुरस्कार भी मिल चुका है, जहां पर ये कंपनी स्टार्टिंग फेज में इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 फाइटर जेट के लिए प्रोटेक्शन कवर बनाती थी, और अब इनको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बहुत सारे लड़ाकू विमानों की कवर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। यहां पर खास बात यह है कि कंपनी की शुरुआत 2018 में की गई थी और कंपनी ने मेक इन इंडिया के तहत पहला सुखोई 30 फाइटर जेट के लिए कवच को बनाना शुरू कर दिया था। वहीं कंपनी की यूनिट बुलडाला जिले के आमगांव शहर के अंदर है। वहीं कंपनी का कहना है कि ये अपने इस लघु उद्योग को इंडस्ट्रियलाइज या फिर बड़े क्षेत्र में नहीं ले जा रहे हैं। उनका ऐसा मानना है कि इसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफी बड़े पैमाने पर रोजगार मिल पाता है। वर्तमान में इनका काम लगभग 4 दशकों से चल रहा है और अब इनको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बहुत सारे फाइटर जेट और सैटेलाइट के कवर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जहां पर कंपनी ने हाल ही में 25 करोड़ के टर्नओवर किया था। और पिछले कई सालों में हमने देखा है कि भारत के अंदर भी जो डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट हुए हैं उनके कवर को भी उन्हीं कंट्री से मांगना पड़ता है, जबकि भारत के पास एक कैपेबिलिटी थी कि वह भारत के अंदर इन कवर्स को आसानी से बना सकता है, जिसकी शुरुआत भारत में की जा चुकी है। तो डिफेंस इक्विपमेंट की प्रोडक्शन बहुत ही जरूरी है ताकि ऑपरेशन या जंग के टाइम पे अपनी 100% भूमिका निभा पाए। तो भारत के छोटे से स्टार्टअप के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, जो भारत के लिए बहुत बड़े काम कर रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।